दशहरा, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, हम लोगों ने सभी ने ये पढ़ा है कि आज के दिन राम जी जो रावण को मारा था और जब वो वापस आए थे उस दिन दिवाली मनाई जाती है। तो रावण को मारने वाला दिन ही दशहरा कहलाया जाता है, क्योंकि और रावण की जो हरकत थी, जो उसने की थी, उसी की उसको सज़ा मिली थी आज के दिन। हाँ, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। घर में ऑफकोर्स हम लोग पूजा करते हैं, बस एक आरती होती है, ऐसा सच कुछ खास नहीं हो पाता। माता ऑलरेडी मेरे मंदिर में है, हमारे घर पे जो मंदिर है उसमें ऑलरेडी माता है, वही विराजमान है, तो उन्हीं की हम पूजा करते हैं। रोज़ सुबह निकलने से पहले एक बार आरती होती है, बस। इससे ज़्यादा नवरात्र में नहीं मना पाता, क्योंकि फास्ट रखना या फिर और रिचुअल्स पूरे करना, ये इस फील्ड में मेरे हाथ में तो है नहीं, और मैंने आज तक कभी किए भी नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई फास्ट नहीं रखा, हमेशा मेरी मॉम रखती थी। उनका कहना था कि बस मन साफ होना चाहिए तो भगवान खुश रहता है। तो माँ तो चलो, मेरी माँ तो 9 के 9 दिन रखती थी, बट हम लोग कुछ नहीं रखते थे, तो सारी चीज़ें उस दौरान बंद होती थी, जो भी नवरात्र पे अलाउड नहीं होती वो सब। तो माँ बस वही शाम को बोलती थी कि ऐसा नहीं करना। और कन्या वगैरह खिलाती थी माँ, तो मैं भैरू बनता था, वो सबसे अच्छी याद है मेरी। दशहरा बनाते थे हम लोग, रावण बनाते थे, खुद हैंडमेड रावण बनाते थे, छोटे बड़े बड़े। कॉलोनी में कॉम्पिटिशन होता था दोस्तों में आपस में, मैंने देख तेरा बड़ा है, मेरा रावण बड़ा है, कौन कितने पटाखे डाल रहा है उसमें। तो बच्चे थे उस टाइम, पॉल्यूशन का इतना आइडिया नहीं था, बट अब जाके ये पता चलता है कि हाँ, रावण बना के हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, जिसका आज ये एनवायरनमेंट जो भुगत रहा है, ये उन्हीं का रीज़न है। डांडिया में देखिए, मैं जयपुर से हूँ, तो वहाँ तो ऐसा इतना खास नहीं होता था, गरबा उत्सव हर जगह डांडिया उत्सव होते थे, तो डांडिया हम लोग जाते थे, वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते थे। ड्रेसेस उनके जो पूरे कपड़े पहनते थे, उनका जो पूरा अटायर होता था इतना खूबसूरत होता था, देख के मज़ा आता था कि यार क्या बात है। हम लोग साइड में नाच रहे होते थे, तो सेंटर में एक ग्रुप बना होता था जयपुर में। यहाँ भी लास्ट ईयर हम लोगों ने जैसे एक इवेंट किया था, देखने गए थे इवेंट में, मैं और सबके, वहाँ भी मतलब हज़ारों की भीड़ एक सेम अटायर में, वो जो कपड़े, वो म्यूज़िक, वो रिदम, बड़ा ख़तरनाक लगता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। फनी टाइप की बहुत हुई है, बहुत कई बार होता है कि हम लोग डांडिया खेलने जाते हैं तो, और डांडिया का एक पेयर टूट गया, तो एक ही डांडिया से खेल रहे हैं। काफ़ी सारी यादें हैं मेरी जयपुर की, कि मेरा एक डांडिया टूट गया, मैं एक ही डांडिया से खेल रहा हूँ और सबके मज़े ले रहा हूँ।